लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जयपुर आज हमारे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण आग की तरह से फैल रहा है, जिसको रोकने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया है और लोगों को घरों में ही रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ एक संक्रामक रोग है जो हमारी श्वान नली को प्रभावित करता है। वहीं हमारे शरीर में श्वान संबंधी बीमारियों को कम करने के लिए हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखना आवश्यक होता है। ऐसे में आप इस लॉकडाउन के दौरान घर पर कुछ आसान योगासन की मदद से अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं, जिससे आप कोरोना वायरस और अन्य रेस्पिरेटरी समस्या को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। आप घर पर प्रतिदिन कल्पोज या बितलासन योग करें। इस योगासन को करने से आपके फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। बितलासन एक ऐसी योग क्रिया है जिसको करने से हमारी श्वास नलिकाओं में खिंचाव होता है और यह खिंचाव हमारे फेफड़ों को मजबूत कर उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके अलावा आप घर पर भुजंगासन कर अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। भुजंगासन की क्रिया में हमारे शरीर की मुद्रा में सांप जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे कोबरा आसन भी कहा जाता है। भुजंगासन को प्रतिदिन करने से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक बना रहता है और हमारा शरीर बीमारियों से दूर रहता है। आप अपने शरीर को स्वस्थ और कई प्रकार की बीमारियों से दूर रखने के लिए प्रतिदिन सूर्य नमस्कार योगासन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी प्रत्येक मुद्रा हमें स्वस्थ और बीमारियों से दूर रखने में मदद करती है।